श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हिंदू धर्म में संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए रखे जाने वाले सभी व्रतों में से एक जीवित पुत्र का व्रत, जिसे जीतिया व्रत भी कहते हैं। जीतिया व्रत नहाए खाए से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीन दिन तक चलता है। यह 24 घंटे का निर्जला उपवास होता है। आइए जानते हैं जीतिया व्रत इस साल अक्टूबर के महीने में किस दिन रखा जाएगा, नहाए खाए व्रत का पारण कब कैसे करें, व्रत क्या खाकर खोलें और इस साल पहली बार व्रत रखें या नहीं, इसके बारे में। दर्शकों, साल 2023 में जीवित पुत्र का या जीतिया व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। नहाए खाए की तिथि होगी 5 अक्टूबर गुरुवार को। जीवित पुत्र का निर्जल व्रत और खुर जीतिया की तिथि होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार को। अष्टमी तिथि का आरंभ होगा 6 अक्टूबर की सुबह 6:34 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 7 अक्टूबर की सुबह 8:08 पर। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण अश्विन मास की 9वीं तिथि के दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। 2023 में जीवित पुत्र का व्रत का पारण 7 अक्टूबर शनिवार के दिन प्रातः काल पूजा पाठ के बाद सूर्यदेव को अर्घ देकर 8:10 के बाद किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि जीतिया व्रत में सर्वप्रथम नहाए खाए से मड़वा की रोटी, झिंगली का पत्ता, गेहूं के आटे की दूध पिट्टी, मटर करी, अरबी, काशी फल की सब्जी, खीरे का रायता और नौनी का साग खाना चाहिए। वहीं व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने के लिए शरबत या मीठा जल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद झोर भात, मड़वा की रोटी और नौनी का साग खाना चाहिए। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2023 में मल मास या अधिक मास लगा था, जिस कारण वे महिलाएं जो पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं, वे इस साल व्रत नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मल मास में पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्य तो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन किसी नए व्रत की शुरुआत और व्रत का उद्यापन वर्जित माना जाता है।